नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आए पूरे देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अपनी जान देकर देश को आजादी दिलाने वाले अमर शहीदों को याद किया। पूरे देश भर स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसी क्रम में आजादी के अमृत महोत्सव पर वायुसेना स्टेशन आगरा ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 15 अगस्त को वायुसेना स्टेशन आगरा के वायु अफसर कमांडिंग और कमांडरों सतीश कुमार गुप्ता VM द्वारा आगरा के गांव खाला में अमृत सरोवर अभियान के अंतर्गत ग्राम में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत वीरों का बंधन में आज़ादी के नायकों की याद में कविता गाना किया गया। वसुधा बंधन अभियान के अंतर्गत गाँव में स्वदेशी प्रगति के 75 वृक्षरोपित किए गए। भारत को विकसित बनाने के दिशा को गति देने वाले पंचग्राम के सामूहिक रूप से शपथ ली गई। इस अवसर पर वायुसेना स्टेशन आगरा के वायु अफसर कमांडिंग ने अपने भाषण में देश आज़ादी और देश के सम्मान को बनाए रखने तथा सुरक्षा और परस्पर संग्रह के भाव को बनाए रखने पर जोर दिया। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट। स्टेशन के अंदर बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, लेकिन इस साल हमने देखा होगा थोड़े देर पहले हमने विजय चौक में तिरंगा चौक में ध्वजारोहण किया। सब लोगों के साथ मिल के ये मनाना चाहते थे और जैसा सरकार का अमृत सरोवर के प्रति ये कार्यक्रम चल रहा है उसके प्रति इस सरोवर को डेवलप करके और यहाँ के प्रशासन के साथ मिलके हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया है और इसलिए हम चाहते थे कि आप लोगों के बीच में आके इस जगह पर इसका अपना एक महत्व और यहाँ ध्वजारोहण करें और आप लोगों के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। सर, वायुसेना स्टेशन आगरा के भीतर आज़ादी का महोत्सव कैसे मनाया जाता है? तो हम लोग तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और जिस तरह से सरकार ने भी कहा है कि 9 से 15 तो हमने कई कार्यक्रम अपने एफओ स्टेशन के अंदर रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ का अगर नाम लूँ तो जैसे मेरी माटी मेरा देश के तहत हमने अपने एफओ स्टेशन के अंदर भी कई जगह से माटी को इकट्ठा करके और वृक्षारोपण किया हुआ है। उसके अलावा हम लोग सब सामूहिक तरीके से आज भोज भी तैयार कर रहे हैं और मैं सब लोगों के साथ जाके आज अलग अलग जगह पर आज उनके साथ मिलकर उनके साथ बैठकर खाना खाने वाला हूँ, भोज करने वाले हैं। इसी तरीके से हर घर तिरंगा को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। हमने अपने जितने एफओ स्टेशन के कर्मचारी हैं जो अंदर हैं उन सब ने अपने अपने घरों में ध्वज लगा के इसका जोर शोर से मनाया और आपके साथ तो आज हम मना ही रहे हैं, जिसमें कि हम ये अमृत सरोवर के तहत आप लोगों के बीच आके इस तरीके से हम लोग इसको। सर, जज्बे की बात करें तो यहाँ बच्चे बुजुर्ग सभी आपके बीच उपस्थित हैं, किस तरह का जज्बा दिखा? वही मैं अपनी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह भी रहा था और ये मेरी दिल से फीलिंग है, चाहे वो तिरंगा चौक हो चाहे यहाँ हो, हमारे देश के देशवासियों के दिल में जो भावना है वो मुझे नहीं लगता कि किसी सिपाही के दिल में से कोई कम है या 1% भी कम है। जिस जज्बे जिस जोश को हम यहाँ देखते हैं हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आप लोगों के बीच में आते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम तो देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो ये योगदान है देश के प्रति वो बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रगति का हमारे देश को ले जाने। सर, पंच प्रण का क्या महत्व है? सर, तो पंच प्रण अभी हम सब ने ये प्रण लिया है और इसको सिर्फ प्रण नहीं लेना है, हमें इस प्रण को आगे मानना भी है। हम कई साल पहले 76 साल पहले स्वतंत्रता पा चुके हैं, लेकिन कई चीज़ों में अगर आप देखें तो हम अभी भी दासता की तरह जी रहे हैं या कई चीज़ों में हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं महसूस कर रहे हैं। हमें इस मानसिकता से अपने आप को बदलना है, ये सोचना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, सबको शिक्षित करना है, देश को आगे बढ़ के लेके जाना है। उसमें हमें छोटे छोटे योगदान जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे, चाहे वो जल को संजो के अपनी अगली पीढ़ी के लिए रखना हो, चाहे छोटे छोटे कार्यक्रम साफ सफाई और इस तरीके के काम करने, अपने देश के इस जज्बे को आगे लेके जाना है और देश के और देश को पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान पर लेके आना है। मुझे लगता है ये पंच प्राणों से जरूर हो पाएगा। ठीक, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार और अभिनंदन। आप इतनी तादाद पे यहाँ पर आए
इस बात से हमें यह पता चलता है कि हम अपने देश से कितने गौरवान्वित हैं, कितने खुश हैं कि हम इस आजादी आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव पर ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारे देश को आजाद हुए आज 75 साल हो चुके हैं। हम लोगों ने तो आधीनता नहीं देखी और हम इस स्वतंत्र भारत में ही पैदा हुए हैं, लेकिन आप अगर अपने बुजुर्गों से, अगर अपने दादा नाना उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे थे वो पल, कैसे थे वो दिन जब हम आधीनता में जी रहे थे, इस तरीके से जो हम चाहते थे वैसा नहीं कर सकते थे। इसलिए जब आज़ादी हमें आसानी से मिल जाती है तो हम लोग उसको थोड़ा सा नहीं समझ पाते और उसको ग्रांटेड सा लेते हैं। लेकिन आज जिस तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिस हर्षोल्लास